नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Narzo 30 Pro वर्सेस Moto G60 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Narzo 30 Pro में 6.39 इंच जबकि Moto G60 में 6.68 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Narzo 30 Pro में 2.96 इंच जबकि Moto G60 में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Narzo 30 Pro में 0.36 इंच जबकि Moto G60 में 0.39 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Narzo 30 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Narzo 30 Pro में 194 ग्राम जबकि Moto G60 में 225 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Narzo 30 Pro से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Narzo 30 Pro में 20:9 जबकि Moto G60 में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Narzo 30 Pro में 6.5 इंचेस जबकि Moto G60 में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Narzo 30 Pro में 1080x2400 और Moto G60 में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Narzo 30 Pro में 83.74% जबकि Moto G60 में 85.43% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Narzo 30 Pro में 405 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Moto G60 में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Narzo 30 Pro में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Moto G60 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Narzo 30 Pro में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Moto G60 की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Narzo 30 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Moto G60 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Narzo 30 Pro में Mali-G57MC3 जबकि Moto G60 में Adreno 618 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Narzo 30 Pro में MediaTek Dimensity 800UMT6873V और Moto G60 में Qualcomm Snapdragon 732G मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 6GB मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Narzo 30 Pro में 64GB जबकि Moto G60 में 128GB मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Narzo 30 Pro में अप टू 256GB जबकि Moto G60 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Narzo 30 Pro में Android V10 Q जबकि Moto G60 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Narzo 30 Pro में 5000 mAh जबकि Moto G60 में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Narzo 30 Pro की 14,999 रुपीज जबकि Moto G60 की 17,999 रुपीज प्राइस है।
जो कि नाजो 30 प्रो से ज्यादा है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme नाजो 30 प्रो में 9 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Moto G60 की तो उसमें 10 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Moto G60 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में Moto G60 आगे है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है, इंटरनल मेमोरी में Moto G60 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है जो कि 17,857 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme X7 है जो कि 17,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme Nazo 20 Pro है जो कि 14,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8 है जो कि 13,999 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।